तो ये है दोस्तों पोको का पोको M3 Pro 5G और आज हम इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं भाई। इसका UI में क्या आपको देखने को मिलता है, सेटिंग में क्या है, इन सब के बारे में बात करें। तो बेसिकली आप फोन को अगर पहली बार यूज करेंगे तो क्या कुछ आपको देखने को मिलता है उसके बारे में, अगर आप सेटिंग में कहीं पर रुक गए तो ये वीडियो के थ्रू आपका कुछ हेल्प हो सकता है। तो जिन व्यूअर्स को ये पता है वो स्किप करके जा सकते हैं, और जिनको जानना है कि पोको M3 Pro 5G में क्या कुछ आपको देखने को मिलता है सेटिंग के अंदर या फिर UI के अंदर, देखते रहिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी से बता दूंगा, और इससे पहले दो तीन बातें बता चुका हूँ, जैसे कि कनेक्टिविटी यानी कि 4G वोल्टी ये सब कहाँ पे होता है वो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और अबाउट द फोन सेक्शन में वो अनबॉक्सिंग के टाइम मैं दिखा दिया था, और अलग से वीडियो एक बना चुका हूँ मैं थीम्स और फॉन्ट कैसे चेंज करना है उसके बारे में मैं बना चुका हूँ। अगर वो सब नहीं देखे तो चैनल के ऊपर जा सकते हैं, और आई बटन भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। अब जल्दी शुरू करते हैं, और यहाँ पे पहले सबसे शुरू जो करते हैं वो है यहाँ पे टच करके रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे टच किए तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पे मिल गया। तो पहला जो ऑप्शन है वो है वॉलपेपर, यहाँ पे आप क्लिक करके वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है विजेट्स का। विजेट्स माने क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पे 9/9/21 लिखा गया है, तो ये जो डेट या टाइम बोल सकते हैं ये सब आप विजेट सेक्शन में आता है। ये जो एक वेदर का सिंबल है ये भी विजेट्स में आता है, ये जो सर्च बार आपको दिख रहा है ये भी विजेट्स में आता है। तो इस तरह का विजेट्स होता है, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप उठा के बाहर में रख सकते। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको डिजाइन में देखने को मिल जाता है, तो वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में आपको पहला जो मिल जाता है सबसे इजी वाला है वो है ट्रांजिशन इफेक्ट। तो ट्रांजिशन इफेक्ट आपको पता है यहाँ पे स्लाइड वाला ये वाला ये सब आपको ट्रांजिशन इफेक्ट मिलता है, तो आप जो चाहे यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद है सेट डिफॉल्ट स्क्रीन, मान लीजिए कि आपको ये वाला स्क्रीन को डिफॉल्ट स्क्रीन रखना है, हमेशा यही वाला आपको देखना है तो ये आप रख सकते हैं। उसके बाद फिल्म डिसेल, अगर कहीं पे यहाँ पे देखिए ये ऐप अगर मैं अनइंस्टॉल कर दिया तो ये ऐप गैप रह जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट ऐप मैं इंस्टॉल करूँगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके सेट हो जाएगा, और ये भी खिसक जाएगा इस तरफ, तो इस तरह कुछ काम करता है फिल्म डिसेल। उसके बाद लॉक होम स्क्रीन लेआउट, अगर आपको जो होम स्क्रीन में जितने ऐप है इनको लॉक रखना है, मतलब इसको मूविंग भी नहीं करना है, कहीं पे भी नहीं ला सकते, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हाइड आइकन ऐप, तो अगर आपको ऐप आइकन को हाइड करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोर में आपको ये लॉन्चर मिल जाता है, मान लीजिए अगर आपको प्ले स्टोर में कोई भी लॉन्चर, नोवा लॉन्चर वगैरह बहुत सारे लॉन्चर आता है, मैं ज़्यादा नोवा लॉन्चर बहुत बार यूज कर चुका हूँ, अच्छा लगता है। तो अगर कुछ डाउनलोड करते हैं तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो वहाँ पे हमेशा ऑप्शन आता है कि आप कौन सा लॉन्चर चूज करेंगे, जो आपका पोको लॉन्चर है या फिर दूसरा जो डाउनलोड किए हैं, तो उसको हटाने के लिए मान लीजिए अगर आप ऐसे करते हैं कुछ भी ऑप्शन नहीं आना चाहिए, तो वो आप वहाँ पर लॉन्चर में सेट कर सकते हैं, लॉन्चर में आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लॉन्चर चेंज करना है तो यहाँ पे आना है, डिफॉल्ट लॉन्चर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए सिस्टम का वो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाता है, बैकग्राउंड किस तरह का चाहिए ये आप देख सकते हैं, ब्लैक चाहिए या व्हाइट चाहिए वो आप रख सकते हैं। यानी कि जो ऐप ड्रॉ का बैकग्राउंड है मान लीजिए ये वाला, ये जो देखिए यहाँ पे व्हाइट आ रहा है इसका पीछे वाला, अगर मैं वहाँ पे चेंज कर दूंगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो वो बेसिकली आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल जाता है कि बैकग्राउंड कैसा रखना है। उसके बाद आइकन पैक अगर आपको चेंज करना है तो प्ले स्टोर में जाके आप आइकन पैक, बहुत ही अच्छे तरह से आइकन पैक मिलता है बहुत सारा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आके यहाँ पे आइकन पैक ये देखिए यहाँ पे आप अभी के लिए सिस्टम आइकन पैक है, अगर आप दो तीन आइकन पैक डाउनलोड करेंगे तो वो यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है आइकन पैक। उसके बाद ऐप ड्रॉ जो कि दिखाया है, ऐप ड्रॉ आपको कैसे मिलता है वो है। उसके बाद यहाँ पे होम स्क्रीन आ जाता है और ये सब वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब जल्दी से हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, जो कि आप यहाँ पे टच करेंगे तो ये जो तीन ऑप्शन है आपको समझ में आ गया होगा क्या कुछ देखने को मिलता है। तो अब जाते हैं हम सेटिंग में, और सेटिंग में आपको अबाउट फोन सेक्शन मिल जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको पता नहीं तो अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख लेना, वहां पे आपको पता चल जाएगा, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है सिस्टम ऐप अपडेटर, यहाँ पे अगर किसी और सिस्टम का ऐप जो आता है वो आप यहाँ पे अपडेटर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी स्टेटस,
वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस अगर आपको ऑन करना है तो वो आप कर सकते हैं। फाइंड माई डिवाइस बेसिकली अगर कभी फोन गुम हो जाता है तो आप इसका अगर आप इसको ऑन रखे होंगे तो आप बेसिकली उसको सर्च कर सकते हैं, उसके लिए देता है और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद जाते हैं सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 4G क्वालिटी टेस्ट में। अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हो, वहाँ पे बता दिया हूँ कि कहाँ पे क्या है, वीवो वाई फाई को कैसे ऑन करते हैं और 12 4G क्वालिटी को कैसे ऑन करते हैं, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद आता है वाईफाई, अगर वाईफाई आपको ऑन करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के लिए ये ऑप्शन है, ब्लूटूथ आपको पता भी होगा और क्या दिखाऊंगा इसमें मैं, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ब्लूटूथ का नेम भी आप चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद कनेक्टिविटी या कनेक्शन शेयरिंग आ जाता है। कनेक्शन शेयरिंग में आपको क्या मिलता है, तो बेसिकली MISR का ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाता है। MISR बेसिकली जो आपका एक्सटेंडर वगैरह हो गया, या फिर पहले आता था वाईफाई ट्रांसफर जो होता है, डाटा वगैरह, फाइल ट्रांसफर, फाइल इट, शेयर इट जो होता है, मैं भूल जाता हूँ यार, तो शेयर इट जो होता है उसी की तरह MISR काम करता है। उसके बाद आता है कास्टिंग यानी कि अगर आप फोन यूज कर रहे हैं, घर में राउटर वगैरह है, ब्रॉडबैंड वगैरह है, तो आप LED को कनेक्ट करके यहाँ पे फोन को कास्ट कर सकते हैं। उसके बाद पोर्टेबल हॉटस्पॉट आ जाता है, यहाँ पे आप हॉटस्पॉट रख सकते हैं, हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं और इसका नेट को आप शेयर कर सकते हैं बाकी फोन में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है वायरलेस डिस्प्ले और यहाँ पे क्रोमबुक वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नियर बाय शेयर का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन में आपको ये स्लीप मोड, रेस्ट, वेकअप, ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन, क्लॉक फॉर्मेट, ये भी अगर आप फोन को लॉक करते हो उसके बाद क्लॉक फॉर्मेट क्या होगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है डिस्प्ले, डिस्प्ले में आपको यहाँ पे दो मोड, ऊपर पहले आपको पता चल रहा होगा, तो बेसिकली यहाँ पे ये है डार्क मोड, और डार्क मोड यहाँ पे मैं करता हूँ, डार्क मोड तो ऑन कर दिया हूँ, इसको ऑन कर देते हैं, तो ये देखिए डार्क मोड यहाँ पे ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको बैक भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हो गया। तो बेसिकली अगर शेड्यूल डार्क मोड करना है, यानी कि शेड्यूल या फिर स्केड्यूल जो आपके एसेट में है वो आप बोल सकते हैं, तो वो आपको करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और नॉर्मली आपको सिर्फ लाइट या डार्क करना है तो सिंपली इसमें टच करेंगे तो ये देखिए ब्लैक हो गया और यहाँ पे ये लाइट मोड आ गया। तो उसके बाद आता है ब्राइटनेस लेवल, उसके बाद आता है रीडिंग मोड। अगर रीडिंग मोड आपको ऑन करना है तो आप इसमें जाके सिंपली ऑन कर देंगे और ये देखिए कलर चेंज हो गया, आपको पता चल रहा होगा। और ये अगर नाइट में आप कुछ करते हैं, ब्राउजिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं फ़ोन में, तो ये सही है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, आँखें के ऊपर, आइज के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए वाइट हो गया, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है कलर स्कीम, यानी कि ये जो है MIUI का एक बेस्ट फीचर है जो कि मुझे पसंद लगता है। आप कोई भी कलर यहाँ पे घुमा फिरा के सेट कर सकते हैं, ये जो है यहाँ पे येलो चाहिए, ब्लूइश चाहिए, पिंकिश चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और ये MIUI में आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है क्योंकि ये डिस्प्ले है सपोर्ट करता है 90 हर्ट्ज को, तो यहाँ पे अभी तक जो है बाय डिफॉल्ट जब फोन आता है तो 60 हर्ज यानी कि 60 हर्ज में आपको देखने को मिलता है, लेकिन रिफ्रेश रेट को आप 90 हर्ट्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली ये क्लिक कर देंगे तो अब ये हो गया है 90 हर्ट्ज, और इसमें अगर आप बैक करेंगे तो अब ये हो गया है 60 हर्ट्ज। तो कुछ इस तरह का आप हर्ज को, रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हो। उसके बाद फॉन्ट एंड टेक्स्ट साइज, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जैसे कि बता दिया कि फॉन्ट मैं बता दिया था फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, इसमें सिर्फ टेक्स्ट साइज आपको दिखाता हूँ, तो बहुत प्रकार के आपको यहाँ पे टेक्स्ट साइज देखने को मिल जाएंगे जो चाहे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैक करते हैं और क्या कुछ मिलता है, तो ये बहुत ही छोटा हो गया है अब यहाँ पे हम, तो यहाँ पे इतना साइज ठीक रहेगा, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, तो ये कुछ आपको यहाँ पे टेक्स्ट साइज आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद फुल स्क्रीन मोड ये आपको मिल जाता है, ऑटो रोटेशन ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये सब आपको डिस्प्ले में ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ पे आप क्या बताऊँ, यहाँ पे सबको पता होता है, रिंगटोन वगैरह आप सेट कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए, ये सब वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बेसिकली जो नोटिफिकेशन बार होता है यहाँ पे, ये देखिए इसको सेट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कौन सा ऐप चाहिए वो भी आप वहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे बार को अगर लॉक करने के टाइम में आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए फ़ोन लॉक है तो उस टाइम में आप इसको खुल पाएंगे नहीं, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये देखिए आइटम्स ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग डाउन, ये देखिए आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे होम स्क्रीन, होम स्क्रीन बेसिकली जो मैं उस टाइम दिखाया था वही वाला ऑप्शन है, ये आप जान सकते हैं। जो स्टार्टिंग में मैं दिखाया था सेटिंग में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद थीम्स, ये ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, जो फॉन्ट चेंज टाइम में था उस टाइम में मैं दिखा देता हूँ, यानी कि फॉन्ट कैसे चेंज करना, थीम कैसे चेंज करना, उस वीडियो में बता दिया हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी आ जाता है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट अनलॉक ऑन है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर फेस अनलॉक को ऑन करना है तो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं, ये अभी ऑफ है, आप चाहे तो इसको ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट को भी आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद और क्या कुछ मिलता है, तो यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे जानने को जरूरत नहीं। अगर आप ऐप वगैरह को परमिशन चाहते हैं तो यहाँ पे आपको परमिशन देना होता है, ये देखिए ऑल फॉर्म परमिशन यहाँ पे है, आप वो कर सकते हो। उसके बाद बैटरी परफॉर्मेंस आ जाता है, बैटरी क्या कुछ परसेंटेज है, कितना टाइम बचा हुआ है, ये सब। और अगर आप बैटरी सेवर मोड ऑन करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है ऐप्स, ऐप्स आपको यहाँ पे ऐप्स में क्या कुछ करना है, तो ऐप लॉक कैसे करते हैं, अगर इसके भी चाहते हैं वीडियो तो इसका वीडियो भी आ जाएगी, ऐप लॉक कैसे करते हैं MIUI है, वो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद जाते हैं एडिशनल सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में आपको डेट एंड टाइम देखने को मिल जाता है, तो डेट एंड टाइम में आपको चेंज करना है तो एडिशनल सेटिंग आना पड़ेगा। उसके बाद लैंग्वेज इनपुट, लैंग्वेज इनपुट बेसिकली यहाँ पे कीबोर्ड आप चेंज कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने, ये देखिए क्वालिटी कीबोर्ड का ऑप्शन है, मैनेज कीबोर्ड है, तो अगर आप कीबोर्ड चाहते हैं चेंज करना चाहते हैं, स्वाइप कीबोर्ड वगैरह जो कलरफुल कीबोर्ड आते हैं वो रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेंसिटिविटी अगर कीबोर्ड वगैरह आप यूज करें, माउस यूज करें, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रीजन आपका चेंज करना है वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन जो कि डिस्प्ले टाइम में हमें दिखाया था वो ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। बटन शॉर्टकट यानी कि कौन सा बटन, ये यहाँ पे देखिए जो बटन है ये वाला, ये सब बटन है, ये किसको क्या करना है वो आप कर सकते हैं। थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट के लिए भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया, आप चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए टेकी स्क्रीनशॉट विथ स्लाइड थ्री फिंगर डाउन, इस तरह का स्क्रीनशॉट आ जाता है, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, आप खुद से भी यहाँ पे देख सकते हैं। मैं बता रही कहाँ पे मिलेगा आपको जो ये सब बटन है यहाँ पे दिया गया है, इनका शॉर्टकट कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता दिया, आप जाके यहाँ पे और भी छेड़खानी करके खुद से भी सीख सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद क्विक वॉल यानी कि बेसिकली ये क्विक वॉल ऑन करने पे यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन आ जाता है, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं क्विक वॉल ऑन कर दिया हूँ, यहाँ पे आपको एक छोटा सा दिखाई देगा ये, तो ये देखिए ये है क्विक वॉल, और ये फोन आप जब भी ऑन करेंगे साइड में आ जाएगा जो भी करते रहें, तो यहाँ पे ये सब आपको शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं, तो ये है क्विक वॉल का काम। उसके बाद यहाँ पे एसेसिबिलिटी आ जाता है, तो बाकी जितना है आपको बता दिया हूँ। और उसके बाद आता है यहाँ पे डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे आपको फोन कैसे क्या कुछ कोई यूज कर रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे क्या यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कर रहा है, अगर आप नेट ऑन करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, और आप जिसे कोई फोन देंगे किसी बच्चे को तो वो क्या यूज किया है टोटल आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाता है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद स्पेशल फीचर्स आ जाता है, यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स, गेम टर्बो, ये सब आपको फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया, पहले भी यहाँ पे नहीं था लेकिन आजकल फ्लोटिंग विंडो को यहाँ पे ऑप्शन में ला रहे हैं, तो ये आप है फ्लोटिंग विंडो को आप इस तरह कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दिया गया किस तरह ऑन करना है, क्या कुछ करना है, वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है फ्लोटिंग विंडो कैसे काम करता है। उसके बाद और क्या कुछ बचा हुआ है, तो बेसिकली MI अकाउंट है, गूगल अकाउंट है, ये सब आपको पता है, और ये ज़्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, जितना जानने का आपको जरूरत है नॉर्मल डे टू डे यूज में जो आपका जरूरत में आ सकता है वो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। आखिर में एक चीज़ और दो तीन चीज़ जो ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि कैसे यूज करते हैं स्प्लिट स्क्रीन, क्योंकि वो एक बहुत सारे लोग का पसंद है स्प्लिट स्क्रीन यूज करना है, कैसे यूज करते हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन अगर आपको यूज करना है तो सिंपली यहाँ पे जाना है, और अगर आपको ये ऐप को चाहिए स्प्लिट स्क्रीन करना है तो यहाँ पे आप टच करेंगे तो ये देखिए बीच वाला एक ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए ये ऊपर में चला गया है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको गैलरी खोलना है तो गैलरी आप खोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन हो चुका है, ऊपर में सेटिंग है, नीचे में गैलरी है, और आप इसका मजा उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्प्लिट स्क्रीन यहाँ पे इस तरह का कुछ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए स्प्लिट स्क्रीन को ऑफ करना है तो सिंपली अगर आपको गैलरी को रखना है तो आप इस तरह ऊपर कर सकते हैं, अगर आपको सेटिंग को रखना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए
यहाँ पे वापस ये नॉर्मल हो गया। तो कुछ इस प्रकार के आप यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन बार, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये है नोटिफिकेशन बार और इसमें एडिट करना है, यानी कि देखिए ये बहुत सारे ऐप है यहाँ पे, तो इसको कैसे एडिट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कुछ हटाना है या फिर यहाँ पे कुछ इनपुट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। सिंपली यहाँ पे इतना दूर आ गए हैं, अब यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कर दीजिए। और यहाँ पे मान लीजिए मुझको ये नाइट मोड को लेना है ऊपर में, तो सिंपली यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे सिंपली ये छोड़ दिया तो ये हो गया। उसके बाद डन करना है तो वो सेव हो जाएगा। वापस यहाँ पे अगर आप नीचे ले आएंगे तो ये वापस से नीचे आ गया। तो कुछ इस प्रकार से आप इस जो नोटिफिकेशन सेंटर है इसको आप एडिट कर सकते हैं। जी हाँ, इतना सारा ऑप्शन, अगर चाहे आपको जरूरत नहीं इतना ऑप्शन तो आप इसमें से हटा दीजिए, सबको नीचे ले आइए और डन कर दीजिए, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये काम होता है। उसके बाद गैलरी में अगर आप जाएंगे तो गैलरी में बहुत सारे आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए वीडियो एडिटर भी मिल जाता है, फोटो कॉलेज का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, यानी कि अगर फोटो कॉलेज भी करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। गैलरी में अगर आपको करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटर में कुछ दिखाया तो कैलकुलेटर में आपको फ्लोटिंग विंडो का सिस्टम मिल जाता है। तो ये है इसका कैलकुलेटर। और यहाँ पे आपको ये वाला करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए फ्लोटिंग हो गया है। आप चाहें तो इसको जहाँ चाहे वहाँ पे रख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी आप रख सकते हैं और ये आराम से आसानी से घूमता रहता है। ये देखिए ऊपर में, अगर यहाँ पे करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पे लेंगे तो ये कहीं पे भी घुमा सकते हैं, आपको वो कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप फिनिश भी थोड़ा कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे ये भी आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको, ये देखिए वाटर ड्रॉप की तरह दिख रहा है वो वाला ऑप्शन है, और ये कहीं पर भी आप यूज में ला सकते हैं। तो इस तरह का आप इसको भी कुछ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और बहुत ही लंबा हो गया और कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता पाओ क्या कुछ यहाँ पे आपको चीज़ देखने को मिल जाता है जो कि आपको हेल्प हो सके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अंदर हम दो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा बता दूँ जो कि आप कभी ज़रूरत नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन जो डेली यू आपका यूज में ज़रूरत होता है वो सब चीज़ें यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। आई होप अगर आप पहली बार ये फोन को यूज करेंगे तो आसानी से इस वीडियो को देख के कुछ हेल्प उठा सकते हैं। तो बस दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, यानी कि हमारे चैनल को टेकी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जाके नीचे लाल बटन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प हो गया है तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं टेकी पॉइंट यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।